ओके सो हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप का न्यू हिम्मत सिंह का नया फोटो एडिटिंग। सो गाइस, इस फोटो एडिटिंग में कुछ बैकग्राउंड पेज जिसका मैं यूज़ करने वाला हूं, जिन सभी का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने के बाद जगह डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस, मैं आप सभी से एक चीज़ कहना चाहता हूं कि गाइस कई बार क्या होता है कि कुछ सब्सक्राइबर यार मतलब कि वीडियोज़ को पूरा कंप्लीट नहीं देखते हैं एंड मुझे नीचे कमेंट करके कहते हैं कि भाई इसमें तो ये वाला पीएनजी नहीं है, वो वाला पीएनजी नहीं है। तो मतलब गाइस पहले आप लोग वीडियो को देख ले करो, फिर उसके बाद आपको मतलब कि पहले वीडियो में देखने के बाद बोला करो कि कौन सा पीएनजी है या नहीं है, क्योंकि गाइस कुछ पीएनजी जो होते हैं वो मैं वीडियो के अंदर ही बताता हूँ कि आपको वीडियो में बना के कैसे यूज़ करना है। तो आप लोगों को जो है पहले वीडियो को देखना है, देन उसके बाद आपको बैकग्राउंड पीएनजीज डाउनलोड करने हैं, ठीक है? तो गाइस, अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि गाइस क्या होता है ना कि यार मैं आप लोगों के लिए दो तीन वीडियोज रोज डाल रहा हूँ, तो यार प्लीज़ यार उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलिए आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, आप सभी को सबसे पहले क्या करना है गाइस, आप लोगों को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप लोगों को। सो गाइस, आप लोगों को फिर क्या करना है, आपको जाना ऐड फोटो में गाइस, जो आपको पोस्ट जो है गाइस कुछ इस टाइप का रखना है, ठीक है गाइस? एंड उसके बाद आपको बैकग्राउंड रिलीज कर लेना है, और जिसको नहीं आता नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक मिल जाएगी, तो आप लोग उसको देख रहे बैकग्राउंड को रिलीज करना सीख लेना। तो गाइस आपको क्या करना, फिर आपको जब आप वहाँ पर मॉडल को ऐड कर लोगे तो गाइस आपको ओपेसिटी कम करके चेक करना है कि आपका मॉडल जो एकदम फिक्स तरीके से वहाँ पर ऐड हुआ है कि नहीं। फिर देन उसके बाद आपको जाना इरेजर टूल में एंड हार्डनेस को फुल करना है, एंड जो गाइस साइज को छोटा करना है, एंड उसके बाद जो ये भी वेस्ट वाला एरिया होगा गाइस आप लोगों को उनको सिंपली इरेज कर लेना है। तो जैसे गाइस मैं यहाँ पे इसको इरेज कर रहा हूँ, एंड गाइस इसको मैं यहाँ पे थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ ताकि जो है आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, तो मैं इसको यहाँ पे फटाफट इरेज कर लेता हूँ। सो गाइस, इरेज करने के बाद आपको जो है आपका मॉडल जो है कुछ इस टाइप से ऐसे लगा देना है यहाँ पे, एंड उसके बाद आपको डन नहीं करना है, आपको जाना है ऐसे गाइस ऐड फोटो में, एंड गाइस यहाँ से ऐड करना है आपको ब्लैक वाली शीट, एंड इसको आपको फुल स्क्रीन करके इरेजर टूल में जाके इन्वर्ट करके ब्रश लेना है, एंड उसका साइज को इंक्रीज करके, एंड आपको जो है गाइस आपको सिंपली ऐसे करके शेडो क्रिएट करनी है। एंड गाइस अभी तो कुछ भाइयों को ऐसा लग रहा होगा कि गाइस ये किस टाइप की शेडो बना रहे हैं भाई, मतलब कि ये तो पूरे मतलब मॉडल के ऊपर आ रहा है, बट गाइस आप लोगों को अभी मैं बताता हूँ कि आपको करना क्या है। पहले आपको इस तरीके से पेंट करना है जहाँ जहाँ पे आपको शेडो चाहिए, एंड उसके बाद आपको फिर क्या करना वो मैं बताता हूँ। तो पहले मैं गाइस यहाँ पे शेडो बना लेता हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारी शेडो बन चुकी है। तो गाइस आपको करना, आपको इरेजर टूल के ऊपर जो ऑप्शन दिख रहा है आपको सिंपली इस पर क्लिक करके इसको मूव डाउन कर देना है, जो शेडो है नीचे की तरफ चली जाएगी, देन आपको ओपोसिटी यहाँ पे कम कर लेना है, एंड उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे डन कर देना है। एंड उसके बाद आपको फिर क्या करना है, आपको जाना गाइस यहाँ से अगेन ऐड फोटो में, एंड गाइस यहाँ से ऐड करना आप सभी को एक विग्नेट का पीएनजी, जिससे गाइस फोटो में एक अलग ही लुक आएगी। तो आपको कुछ स्टेप्स ऐड करके एंड फुल स्क्रीन कर देना है, एंड उसके बाद आपको सिंपली कर देना है डन। फिर उसके बाद गाइस आपको एक पार्टिकल का पीएनजी और ऐड करना है, तो उसके लिए हम जाएंगे ऐड फोटो में, एंड यहाँ से उसको ऐड कर लेंगे, एंड उसके बाद आपको क्या करना है, इसको ब्लेंडिंग मोड चेंज करके स्क्रीन कर देना है, एंड आप फुल स्क्रीन करके आपको यहाँ पे इसकी ओपेसिटी जो यहाँ पे कम कर लेना है, ठीक है? तो कुछ इतना रख लेते हैं 66 तक, एंड उसके बाद यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं डन। अब गाइस यहाँ पे हमारा सारा काम खत्म होता है, तो अभी हम इसको यहाँ पे सेव कर लेते हैं, एंड इसके में करते हैं कलर करेक्शन जो ही करेंगे हम लाइट रूम ऐप में। तो सिंपली हम चलते हैं लाइट रूम ऐप में, एंड यहाँ पे हम अपनी फोटो को ऐड कर लेते हैं। सो यहाँ पे इतना कर लिया हमने, अब क्या करेंगे गाइस यहाँ पे हम जाएंगे लाइट वाले ऑप्शन में, एंड उसका जिसका कॉन्ट्रास्ट है हम इसको जो यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा देंगे, एंड जो गाइस शेडो है यहाँ पे शेडो को हम यहाँ पे थोड़ा सा कम करेंगे। फिर नीचे आपको मिलेगा यहाँ पे ब्लैक, आपको जो ब्लैक है इसको यहाँ पे थोड़ा बढ़ा देना है, जाना आपको कलर्स में। फिर आपको यहाँ पे वाइब्रेशन बढ़ाना है, टेम्परेचर थोड़ा कम करना है, जाना कलर मिक्स में ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, सैचुरेशन माइनस करना है, एंड जो ल्यूमिनस है उसको भी बढ़ा देना है।
फिर इसके बाद आपको जाना है यहाँ से येलो कलर में, आपको उसका ह्यू चेंज करना है जो सैचुरेशन है इसको कम करना है। फिर आपको जाना है डार्क ब्लू में, आपको उसका ह्यू चेंज करना है जो सैचुरेशन है इसको हमें प्लस कर देना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे कर देना है डन। फिर उसके बाद आपको जाना है नीचे वाले टूल में, आपको यहाँ पे फोटो की क्लियरिटी इंक्रीज करनी है, फोटो में जो विग्नेट है वो डाल देना है एंड इसके नीचे मिले आपको ग्रेन माउंट, आपको उसको भी बढ़ा देना है एंड जाना आपको यहाँ से नीचे वाले टूल में, आपको यहाँ पे फोटो की शार्पनेस इंक्रीज करनी है, फोटो में जो नोटिफिकेशन है वो डाल देना है एंड इसके नीचे मिले आपको कलर नोटिफिकेशन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं हमारी फोटो जहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।